Good morning, children. Welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today, I am going to take Hindi literature class. बच्चों पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लिटरेचर में पार्ट 6 बुक और नोटबुक दोनों में कंप्लीट करा दिया है. तो आज मैं आपको पार्ट 7, पार्ट का नाम है ईश्वरचंद विद्यासागर, पढ़ाने जा रही हूँ. तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लिटरेचर की सुरभि निकालेंगे, पेज संख्या 48 यानी 48 ओपन करेंगे और पाठ संख्या है 7 और पाठ का नाम है ईश्वरचंद विद्यासागर. आज हम इनके विषय में पाठ में पढ़ेंगे. तो चलिए पढ़ते हैं पाठ 7, ईश्वरचंद विद्यासागर. अपनी विद्वत्ता और देश व समाज के कार्यों के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर दूर दूर तक मशहूर थे. वो क्यों मशहूर थे? क्योंकि उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा मशहूर मतलब प्रसिद्ध थे. वे एक महान व्यक्ति थे. आइए उनके विषय में पढ़कर जानते हैं. ईश्वरचंद का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था. निर्धन मतलब बच्चों गरीब परिवार में. उनके पिता का नाम ठाकुर दास तथा माता का नाम भगवती था. उनकी माता अत्यंत सुकुशल, अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, और सुशील मतलब सच्चरित्र यानी सीधी और व्यवहार कुशल महिला थी. ईश्वरचंद बचपन में बड़े चंचल और कुशाग्र बुद्धि यानी कि तेज बुद्धि वाले थे. उन्होंने प्रारंभिक पढ़ाई केवल 3 वर्ष में ही पूरी कर ली थी. प्रारंभिक मतलब जो शुरुआत की पढ़ाई होती है वो 3 वर्षों में ही पूरी कर ली थी. उसके पश्चात उनको अंग्रेजी शिक्षा के लिए कोलकाता जाना पड़ा. कोलकाता उनके गांव वीर सिंघा से 60 मील दूर था. 60 मील दूर था. ईश्वरचंद अपने पिता के साथ पैदल ही चलकर कोलकाता पहुंचे थे. कैसे कहते? वो पैदल चलकर 60 मील तक चले थे, तब वे कोलकाता पहुंचे थे. रास्ते में मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी के सारे अंक ईश्वरचंद ने चलते चलते ही सीख लिए थे. वो इतनी तेज बुद्धि के थे कि जब वो पैदल चल रहे थे, कोलकाता जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में जो सड़क के किनारे पत्थर लगे होते हैं, मील में लिखे होते हैं, उसमें लिखा होता है कि 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, उस तरह से उसमें जो अंग्रेजी के अंक लिखे थे वो उन्होंने रास्ते में ही पूरे सीख लिए थे. यह एक चमत्कार ही था. चमत्कार मतलब करामाती. सन 1829 में ईश्वरचंद को उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता के संस्कृत कॉलेज में प्रवेश कराया गया. 1829 में उनकी उच्च शिक्षा मतलब हाई एजुकेशन के लिए उन्हें कहां पर? कोलकाता के संस्कृत कॉलेज में उनका एडमिशन कराया. निर्धनता के कारण ईश्वरचंद को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. निर्धनता मतलब गरीबी के कारण उन्हें क्या हुआ? उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का को फेस करना पड़ा. उन्हें बहुत सारी कठिनाइयां आई जिन्हें उन्हें उससे गुजरना पड़ा, परंतु उन्होंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया. उनकी कुशाग्र बुद्धि से कॉलेज के अध्यापक आश्चर्यचकित रह गए, मतलब अचंभित रह गए. उनकी तेज बुद्धि को देखकर जो वहां के कॉलेज के जो अध्यापक थे वो आश्चर्यचकित रह गए. शिक्षा समाप्त करने पर ईश्वरचंद को विद्यासागर की उपाधि से सम्मानित किया गया. ईश्वर पहले उनका नाम केवल ईश्वरचंद था, लेकिन वो जब उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, जब उनकी शिक्षा खत्म हुई, तो उनको कॉलेज से किस उपाधि से सम्मानित किया गया? विद्यासागर. तो इस तरह उनका पूरा नाम क्या हो गया? ईश्वरचंद विद्यासागर. सन 1846 में ईश्वरचंद विद्यासागर को 50 रुपए मासिक वेतन पर संस्कृत कॉलेज में अध्यापन कार्य के लिए नियुक्त किया गया. 1846 में ईश्वरचंद को 50 रुपए मासिक वेतन. मासिक वेतन जो होता है मंथली सैलरी. मासिक वेतन मतलब सैलरी जो मंथ के एंड में मतलब दी जाती है, जो वो उसे कहते हैं मासिक वेतन. वहां पर उनको नियुक्त किया गया, मतलब पढ़ाने का कार्य उनको के लिए उन्हें वहां पर अपॉइंट किया गया. परंतु अधिकारियों से मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया. लेकिन जो उनसे ऊपर के जो हाई पोस्ट के लोग थे उनसे उनकी क्या हो गई थी? मतभेद मतलब बातचीत ज्यादा हो गई थी, तो उन्होंने वहां पर क्या दे दिया था? त्याग पत्र, रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था.
उसके पश्चात ईश्वर चंद्र ने संस्कृत प्रेस की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक संस्कृत की प्रेस की स्थापना की। कुछ समय बाद उन्हें संस्कृत कॉलेज का प्रधानाध्यापक नियुक्त किया गया। जब उन्होंने प्रेस लगाई उसके कुछ समय बाद उन्हें क्या हुआ, संस्कृत कॉलेज में प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल की पोस्ट पर नियुक्त किया गया। ईश्वरचंद विद्यासागर अनेक कार्यों द्वारा देश की सेवा में भारी योगदान करते रहे। उन्होंने समाज सुधार के अनेक कार्य करते हुए कई पुस्तकें भी लिखी। अपनी विद्वता और देश व समाज के कार्यों में से ईश्वरचंद दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। अपनी बुद्धिमानी और जो देश के लिए और सामाजिक कार्य जो उन्होंने किए उसकी वजह से वो दूर दूर तक क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए, मशहूर हो गए, फेमस हो गए। एक बार एक सज्जन ईश्वरचंद से मिलने के लिए अपने घर से चले, परंतु ना तो उन्होंने कभी विद्यासागर को देखा था और ना ही विद्यासागर ने उन्हें कभी देखा था। वह सज्जन स्टेशन पर गाड़ी से उतरकर कुली कुली पुकारने लगे। कुली मतलब जो हम लोग स्टेशन पे जाते हैं, जो हमारा सामान ढोकर ट्रेन तक पहुंचाते हैं या फिर ट्रेन स्टेशन से लेकर हमारे बाहर तक लेकर आते हैं, तो सामान ढोने वाले मजदूर को कुली कहते हैं। संयोग से ईश्वरचंद उस समय प्लेटफॉर्म पर उपस्थित थे। उन्होंने तुरंत सज्जन के पास जाकर पूछा, आपको कहाँ जाना है? विद्वान सज्जन ने बताया, मुझे ईश्वरचंद विद्यासागर जी के यहाँ जाना है। विद्यासागर ने उनका सूटकेस उठाकर सिर पर रख लिया और कहा, चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूँ। विद्वान सज्जन सूट बूट पहने हुए थे और ईश्वरचंद विद्यासागर बिल्कुल सादे कपड़े में थे। घर पहुंचने पर विद्वान सज्जन को मालूम हुआ कि जिसे वे कुली समझे थे वे वास्तव में ईश्वरचंद विद्यासागर हैं। अपनी भूल पर वह विद्वान सज्जन अत्यंत लज्जित हुए। लज्जित मतलब उन्हें बहुत ज्यादा शर्म आई कि मैंने ये क्या कर दिया, और विद्यासागर की महानता के सामने नतमस्तक क्षमा मांगने लगे, नतमस्तक सर झुकाकर क्षमा मांगने लगे। विद्यासागर जी ने कहा, सदा स्वावलंबी बनो। स्वावलंबी मतलब अपने ही बल पर काम करने वाले। स्वावलंबी मतलब हमें अपने बल पर काम करना चाहिए, अपना काम स्वयं करना अच्छी बात होती है। विद्यासागर जी का आदर्श जीवन हमारे लिए सदा अनुकरणीय है। अनुकरणीय मतलब होता है हम अनुकरण करने योग्य, मतलब हमें उनकी जो बातें हैं, उनके जो आदर्श हैं, वो अपने जीवन में क्या करना चाहिए, धारण करने चाहिए। तो बच्चों आज मैंने आपको विद्यासागर जी के विषय में, ईश्वरचंद विद्यासागर जी के विषय में पढ़ाया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आपका होमवर्क है आज का कि आपको ये चैप्टर अच्छे से घर पर रीड करना है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।